हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। संबळ ठेकत लावायचा, ढोल ताश ढोल पिटीज संबळ ठेकत लावायचा। अरे बड्डे आहे भावाचा, अनचलस साऱ्या गावाचा। बड्डे आहे भावाचा, अनचलस साऱ्या गावाचा। जोरात लावायचा, वाकड तिकड नाचून नाचून दिंगणा घालायचा। अरे भाऊंच्या पट्टेला डीजे जोरात लावायचा, वाकड तिकड नाचून नाचून दिंगणा घालायचा। वर्षभर असं लावून वाट बघत या दिवसाचा, वर्षभर असं लावून वाट बघत या दिवसाचा। अरे बड्डे आहे भावाचा, अन्न मिट्टी का रास्ता था और हम लोग चार पांच जन आए थे और हमारे पास बहुत कैश था, तकरीबन 1,65,000 का 12,000 पे। और हम लोग ये सोच के आए थे कि वसई के अंदर चार पांच आश्रम करेंगे और जहाँ भी कैश की जरूरत है वहाँ देंगे। तो हम लोग को किसी ने बताया तो वो अंदर हमको लगा, फिर भी हम आए गाड़ी लेकर आए और लोगों ने सब बैठे थे और हम लोग ने सब देखा, मिट्टी का रास्ता था, ये कुछ छोटा सा बना हुआ था ये सब था। और उन्होंने मेरे ख्याल से कभी कुछ दो तीन दफे चालू किया था, तो उन्होंने बताया कि मैं एक मिनट की मन हूँ और ये था। तो हम लोग ने उनको सामने कैश रख दिया, तो उन्होंने भड़क के बोला सबसे पहले तो ये कैश। तो हमको सबको बहुत आश्चर्य लगा कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि अनाथ आश्रम के अंदर कैश की जरूरत होते हुए भी ये बंदा कैश एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमारे मेरे जो बम्बे वाले मुझे देखा, मैंने भी उनको देखा, तो मैंने उनको बोला क्या सर, क्या हमसे क्या गलती हो गई। तो बोलते यहाँ कोई भी जात का कैश लिया नहीं जाता। ये मेरे को मेरे कानों में विश्वास नहीं हुआ, मैंने बोला ये कैसे हो सकता है कि यहाँ कैश नहीं लिया जाता है। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, इन्होंने मना कर दिया, बोलते आप आए मेरे लिए भगवान हो, अगर आपको इच्छा है तो आप सब फूड गेहूँ चावल कपड़ा सब दो, लेकिन मैं कैश एक्सेप्ट नहीं करूँ। तभी मेरे जो मुंबई के दोस्त थे और हम लोग तीन चार जन थे, हम लोग सब मतलब हमको कुछ छूट नहीं रहा था कि हम क्या करें। फिर हम लोग ने सोचा और हम लोग को कुछ महसूस हुआ कि हम कुछ तो नहीं लेकिन हम सही जगह पे आए। फिर हम लोग के दोस्त लोग ने और हम लोग ने मतलब काफ़ी तो उन्होंने गाड़ी घुमाई। फिर हमारे जो दोस्त थे जो रेस्टोरेंट थे और वो सब उन्होंने डब्बे गेहूँ चावल सब लिए
उन्होंने बोला ये सब लेकर, मतलब मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला ये सब क्या कर रहे थे, तू कहाँ जा रहा है? बोला ऐसा ऐसा हुआ और हम लोग अभी ये जा रहे हैं। तो बोलते ठीक है, उन्होंने हमको टेम्पो में सब फ्री दी, हम लोग यहाँ आया तब रख दिया। हम मेरा यहाँ आना बहुत कम होता है, इनसे बातचीत बहुत कम होती है, लेकिन क्या है कि मुझे मालूम है आज हम लोग जो है 5 जन से 10 जन 12 जन हो गए, हम लोग बहुत जगह पे जाते हैं, जरूर बच्चे लोग को यहाँ बुरे लोग को हम लोग वहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम लोग के हम लोग सब लोग को बोल देते एड्रेस देते थे, इतना खा रहे व्हाट्सअप पेमेंट सबको भेजते थे, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने कभी इनको फोन नहीं किया ना इन्होंने मेरे को कभी किया, बहुत कम बात होती है हमारी, लेकिन हम लोग ऐसे ही इस तरह सेवा से जुड़े हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिर आज अजय भाई बोले, हम लोग मैं हर साल अजय भाई से मेरे घर से 5-10 साल से वो जब तीसर के रिकार आता है तो मैं 50 किलो या 100 किलो बेचता हूँ, तकरीबन 25-30 का मैं फूड हम लोग लेते हैं, अजय भाई मेरे को हेल्प करते हैं, मैं चूज किया चिंता मत कर आ जाएंगे शहर के करीब उनके घर पर आके वहाँ रखते फिर हम लोग टेम्पो लेते और हम लोग सब जगह बांटते हैं यहाँ आए मतलब देते। तो मतलब इच्छा है कि जहाँ कैश की जरूरत ना हो, जहाँ एक्चुअल में जरूरत है वहाँ मदद करनी चाहिए। और हम लोग मैं तो 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करते हैं, कभी कभी बात होती है इनको मानो है मैं पहले मतलब बोलते हैं अरे क्या खा खा के बड़ा होते हैं मतलब होती है ना हेल्थ के लिए बोल रही है, मतलब जब भी आकर जो कि दर्द आया मुझमें क्या खा खा कर रहा है यार तू कब पत्ता होगा आज मैं पत्ता हो गया मुझे। तो एक एक्सपीरियंस है अच्छा उनका मतलब। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ जुड़े हैं और जुड़े यहाँ हेल्प करे, और मेरे को पता है इन्होंने जो बोला है निःशुल्क यहाँ कोई भी जाता पैर लिया नहीं जाता, ये तो मेरा 12 साल पहले का एक्सपीरियंस है कि 12 साल पहले 1,65,000 का क्या वैल्यू था जो इन्होंने ठुकरा दिया है। और मुझे वो भी याद है, मेरे दोस्तों को भी याद है, हम लोग जब भी चाहते कुछ ना कुछ होते तो होते जाता है, होते भी जाए भगवान भी गया है उनका आशीर्वाद है उनका फायदा है, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ हेल्प करे, जहाँ जरूरत है वहाँ हेल्प करे, जहाँ पैसा जमा करो, मेरे को नहीं छोड़ना होता तो मैं कहीं बंदूक लेके सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर सकता, मेरे लिए कुछ तेज लोगों ने रास्ता दिखा दिया है, तो यार इस रास्ते में चलूँ और 15 साल में पता ही नहीं चला मैं कितनी सेवा की है, पर आज भी कलेक्टर को मिलने के लिए जाता हूँ तो कार्ड देता हूँ तो कलेक्टर ऐसे बुला देता है, मुख्यमंत्री को भी जाता हूँ तो बोलता है ये सारा डॉक्टरों का है, मैं अभी नाम से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मुंबई के मराठा बोल दिया तो वो प्रदूषण का होगा वो नहीं मानव सेवाओं में मराठा तो मैं गुजरात के काम रह जाता था पहला कोई मिलता था सर, पर मेरे श्री कृष्ण भगवान जी का मेरे पर बहुत बड़ा, मैं पैसा नहीं मांगूंगा पर आपका धुना कपड़ा है वो पक्का मांगूंगा, आपका घर में अनाज कुछ बचा है मनाने के बाद वो भेज दो यहाँ पे जो फंक्शन है वो भेज दो, सबसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो रोड पे भटकता हुआ कोई नजर आता है उसको लाके छोड़ो, उसको कोई आप 1 किलो आटा पाव खिला ले दूसरे दिन चावल खिला ले तीसरे दिन बार बार बोले गया तो आके मतलब वो घर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे आते उसके लिए ये घर है, आप अपने सभी रिश्तेदारों को बोलो कि बाबा ऐसे ऐसे एक अनाथ आश्रम है उसमें अनाथों को ही रखा जाता है, और 15 साल से मैंने वही की है, मैं हम बहुत दुख लगता है 107 साल की मेरी मम्मी ऑफ हो गई 7 अप्रैल 2022 में और चंद सासू माँ ऑफ हो गए, उनका अंत्यविधि करके मैं नहाँ के आया हूँ, ऐसे अंत्यविधि करके मैं दौड़ से आया हूँ, तो बहुत दुख लगता है जिन्होंने पैदा किया अतिथि साहब आए प्रवीण भाई का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, साहब का नाम तो बहुत सुना था मैंने, पर दर्शन हुआ और पूरी फैमिली के साथ आके उन्होंने पूरा आश्रम देख लिया और इतने क्रिटिकल अंधेरे में भी उन्होंने आज के आनंद टावर के आपको भी याद रहेगा हमसे इस जगह पे गए थे जहाँ सब पागल रोग रहते हैं, नहीं भी पागल नहीं हूँ, नहीं पागल मैं होता तो आश्रम में नहीं होता, हर एक आदमी के बीच में पागलपन होता है, मैं भी पागल हूँ, आप पागलों के बीच में आके इतना शांति से मतलब ये भगवान ने चुनी हुई जगह यहाँ पे आपकी वो बोर नहीं होता है, जो मोबाइल में लगा है वो बोर हो जाएगा, बाकी ऐसा जो सुनेगा इनको देखेगा इनके चेहरे पे रोनक देखेगी तो आपको दूसरी दुनिया याद आएगी, और आज के बर्थडे बॉय साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज आपका कल बर्थडे है पर